हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के वेरियस टाइप्स को आज हम डिस्कस करेंगे, तो वन बाय वन हम देखते हैं कि कॉस्टिंग के टाइप्स के बारे में। सबसे फर्स्ट बात आती है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग होता क्या है? टू मीट ए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स आर प्रैक्टिस आर यूज्ड, बट टू कंपेयर द अचीवमेंट्स, cost, target, profitability, etc. In the same concern or different unit of the same organization or different unit of the same industry, it is essential that the same set of principles and practice are adopted by all the units. यहाँ पे जो important है, but to compare the achievements, यानी अगर आपको compare करना है दो लोगों के बीच में, तो उसका एक base क्या होना चाहिए? Base दोनों का same होना चाहिए। आपका दोनों का बेसिक जमीन आसमान का डिफरेंस है, तो आप कंपेरिजन कैसे कर सकते हो? तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या बोलता है कि हमें अगर कंपेरिजन करना है आपकी कॉस्ट के बारे में, आपकी प्रॉफिट के बारे में, आपके अचीवमेंट्स के बारे में, तो सबसे पहले हमें दोनों के लिए सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बनाने पड़ेंगे। यानी दोनों कंपनी या हमारी जो सिस्टर कंसर्न है, सबके पास सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, तभी तो हम पता कर सकते हैं कि आखिर हमारी एक इंडस्ट्री, एक अंडरटेकिंग प्रॉफिट मेकिंग है, दूसरी अंडरटेकिंग लॉस मेकिंग है। अगर सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होगा तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग ज्यादा है तो क्यों है और कम है तो क्यों है, समझ रहे हो? तो बेस हमारा सेम होना चाहिए। ये हमें क्या बताता है? यूनिफॉर्म कॉस्टिंग बताता है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग रेफर्स टू ए सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग अंडर विच सेवरल अंडरटेकिंग यूज द सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, यानी सारी अंडरटेकिंग सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही है। मार्जिनल कॉस्टिंग, मैंने आपको मार्जिनल कॉस्टिंग को भी पहले भी मैंने डिस्कस किया था, सेम वही चीज है। मार्जिनल कॉस्टिंग इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस वेरिएबल ओवरहेड। इट इज द असेसमेंट ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट बाय डिफरेंशिएशन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। इट इज यूज्ड टू असेस द इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम और टाइप ऑफ आउटपुट ऑन प्रॉफिट। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में अभी आपको सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़ने हैं, जब इंटर लेवल पाओगे तो आपको इन डिटेल पढ़ना है, तो इसलिए मैं आपको डिटेल लेके नहीं जा सकता अभी। आपका सिलेबस जितना है उतना ही आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो हमने इतना बार डिस्कस कर लिया, तो शायद आपको ऑलरेडी याद हो चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करता हूँ, क्योंकि चीजें बार बार जब आपके सामने आती है तो आपको ज्यादा याद होता है। एक कंपेरिजन इज मेड ऑफ एक्चुअल कॉस्ट विद प्री अरेंज्ड स्टैंडर्ड एंड द कॉस्ट ऑफ एनी डिविजन called variance is analyzed by COGS. This permits the management to investigate the reasons to fold these variance and to take suitable corrective action. Standard costing is an accounting system used by some manufacturers to identify the differences or variation between the actual cost of goods that were produced and the cost that should be occurred for actual goods produced. यानी क्या कॉस्ट होना चाहिए था और क्या कॉस्ट है, दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस है उसके पीछे के रीजंस को आइडेंटिफाई करना, इन्वेस्टिगेट करना, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट हमने ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट के बारे में। हिस्टोरिकल कॉस्ट एक जो हमारी कॉस्ट ऑलरेडी हो चुकी है उसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। इट इज असेसमेंट ऑफ द कॉस्ट आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड। Aims at ascertaining cost actually incurred on work done in the past. It has a limited utility through comparison of cost over different periods may yield good result. Historical cost is the original cost of an asset as recorded in entity accounting records. मतलब जो आपने books of records में जो records किया है invoice plus आपके जो installation के खर्चे हुए होंगे, आपके freight के खर्चे हो सकते हैं, उन सारे खर्च आपने include किया होगा, ये सब कुछ हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलेंगे उस पर्टिकुलर एसेट्स के लिए। मे बी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड एंड ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग कॉस्ट एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्टिंग क्या है? डायरेक्ट कॉस्टिंग इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल एंड सम फिक्स्ड कॉस्ट रिलेटिंग टू ऑपरेशन प्रोसेस और प्रोडक्ट लीविंग ऑल अदर कॉस्ट टू बी रिटेन ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट इन विच दे राइज। डायरेक्ट कॉस्टिंग इज स्पेशलाइज्ड फ्रॉम द कॉस्ट एनालिसिस that only use variable cost to make decisions, ठीक है?
डायरेक्ट कॉस्टिंग ना मार्जिन कॉस्टिंग का ही एक तरीका है, मार्जिनल कॉस्टिंग बोल लो, डायरेक्ट कॉस्टिंग बोल लो, ये सब कुछ सेम है। बट कैन लीड टू हार्मफुल इफ यूज फॉर लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग सिंस इट डज नॉट इंक्लूड ऑल कॉस्ट डेट में अप्लाई टू लॉन्गर। इसलिए क्योंकि जब भी हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं, तो जब एडिशनल रिक्वायरमेंट आता है तभी हम मार्जिन कॉस्ट को यूज करते हैं। हमारे रेगुलर प्रोडक्ट में मार्जिन कॉस्ट को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मार्जिन कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते। अगर हमने प्रोडक्ट से फिक्स कॉस्ट नहीं चार्ज किया तो हमारी कंपनी लॉस मेकिंग हो जाएगी। हमें अपने खर्चे तो प्रोडक्ट से अल्टीमेट चार्ज करनी है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा रेगुलर प्रोडक्ट है, जो हमारी एक एनुअल सेल हमारी होती है, उसके लिए हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते हैं। और जब हमारे पास कोई एडिशनल डिमांड आता है अदर देन रेगुलर, तो हम उसके लिए मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करते हैं। बिकॉज हमें एटलीस्ट वहां पे क्या चाहिए, हमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट प्लस हमारा प्रॉफिट चाहिए, देन हम उसको हम उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मैंने आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में अभी भी डिस्कस किया था। इट इज ए प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट बोथ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। मैंने आपको पहले बताया, मैंने रेंट का एग्जांपल दिया था 100 रुपए, तो रेंट हमारा फिक्स्ड कॉस्ट था। प्रोसेस और प्रोडक्ट्स, दिस डिफर्स फ्रॉम मार्जिन कॉस्ट where fixed costs are excluded. Marginal cost and fixed cost nahi lete. Absorption costing includes or absorbs all cost of manufacturing a product, include both fixed and variable. Yeah, fixed and variable dono include kiya jata hai. That means that all costs, including direct like material cost, indirect like overhead cost, are included in the price of inventory. Absorption costing gives a much more comprehensive and accurate view on how much it really costs to produce your inventory than the variable cost method. Do margin absorption costing hame accurate costing deta hai product ki selling price ko decide karne mein ya cost ko identify karne mein. Ab jaise showroom ke example mein rent hamara direct rent hamara kya tha, overhead ka part tha, usko humne absorb kar diya. Iske alawa hamare paas direct kharche ho sakte hain, jahan jaise wahan pe koi hamare हम वहाँ पे रॉयल्टी पे कर रहे हो पार्टिकुलर कंपनीज को, जितने लोग हमने जैसे हमने डिवाइस का शोरूम में रखा हो तो डिवाइस को मैं पे करना होगा, एल एन सोनी का लिया होगा तो एल एन सोनी को रॉयल्टी पे करना होगा। इसके अलावा वहाँ पे एम्प्लॉय का खर्चा और होगा, एम्प्लॉय का खर्चा हम प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करेंगे, तो ये सारे खर्चे हम प्रोडक्ट पर अल्टीमेट चार्ज करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से पॉसिबल है कि आप अपने सारे खर्चे फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों आप प्रोडक्ट से आप चार्ज कर सकते। तो ये सारे टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग थे, आपको होप्स तो समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करें।